3 अगस्त का दिन संसदीय इतिहास का अनोखा दिन साबित हुआ। संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने आज बताया कि 3 अगस्त को लोकसभा में 100% कामकाज निपटाया गया। अनंत कुमार ने लोकसभा में कहा कि 3 अगस्त को सदन की कार्यसूची में विचार तथा पारित करने के लिए 3 विधेयक सूचीबद्ध थे और तीनों को ही चर्चा करने के बाद पारित किया गया। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल की परंपरा को बनाए रखने की मांग कर रहे थे। अनंत कुमार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्था विधेयक 2017 को पहले चर्चा पर पारित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इसे पारित करने के बाद शून्यकाल लिया जा सकता है। इसी क्रम में अनंत कुमार ने बताया कि 3 अगस्त को लोकसभा में 100% कामकाज निपटाया गया। उन्होंने कहा, 3 अगस्त संसदीय इतिहास का अनोखा दिन था जब कार्यसूची का सारा कामकाज निपटाया गया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के निर्देश पर अनंत कुमार ने इसके बाद इस बात पर भी सहमति जताई कि सरकार भविष्य में इस प्रकार शून्यकाल को स्थगित कर कोई प्रस्ताव या विधेयक चर्चा के लिए लाने से बचेगी। इससे पहले लगातार 2 दिन शून्यकाल न लिए जाएं। पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल खड़े किए थे और सरकार पर संसदीय परंपरा को ध्वस्त करने का आरोप लगाया था। बाद में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि विधेयक के बाद शून्यकाल के मुद्दों को लिया जाएगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।